Nehemiah ki pustak adhyay 9. Nehemiah ki pustak adhyay 9. पाप का अंगीकार। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति के लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक तो अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। और येशु, बानी, कदमियल, शबन्याह, बुन्नी, शेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर येशु, कदमियल, बानी, हशब न्याह, शेरेब्याह, होदियाह, शबन्याह और पत्तह्याह नाम लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंतकाल तक धन्य कहो और तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू ही वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कस्तियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्यों, यबूसियों और गर्गिशियों का देश दूंगा और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई सुनी और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उससे अभिमान करते हैं और तू अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सिनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश के तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें आओ, परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणामय, अति करुणामय परमेश्वर है। तूने उनको न त्यागा, परन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर कहा कि तुम्हारा परमेश्वर
जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मान उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुए, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव के में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यो वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों में अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। यह संतान जाकर उसकी अधिकारीन हो गई और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करें, और उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाए भूमियां ले ली और सब भांति भांति की अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए होदों के और दाख और जलपाई बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खाकर तृप्त हुए और हष्टपुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे, परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाला, तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दोहाई देते रहे तब तब तूने स्वर्ग से उनकी सुनी, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनको छुड़ाने वाले को भेजता रहा और उनको शत्रुओं के हाथों से छुड़ाता रहा, परंतु जब जब उनको चैन मिला तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे, तो भी जब वे फिरकर तेरी दोहाई देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया, तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी भय योग्य परमेश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, जो बड़ा कष्ट अश्शूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हकीमों, याजकों, नबियों, पुरखों, वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे, तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है और हमारे राजाओं और हकीमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं को और चेतौनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने
अपने राज में और इस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा करनी नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। हम आजकल दास है जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उनकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास है। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर उठाया है, ठहराया है, बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जानते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं और इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं और लिख भी देते हैं और हमारे हकीम, लेवीय और याजक उस पर छापा लगाते हैं।